मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, निश्चयासा महामेरु, निश्चयासा महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थितिता निर्धारु, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तपश्चर्या, आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर्या। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर्या, आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, मित्रों लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थितिता निर्धारु, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात